to subscribe! Ugly! Good morning! Oh, Bernie! आज बड़े जोश में नजर आ रहे हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डीजल ने ठीक ही कहा था। दमदार ट्रेन तेज चलती है। यूहू! ये क्या, बर्नी तो गिर गया। ये बर्नी का कमाल का हुनर। ये वो खदान है जहां माल गाड़ियां काम करती हैं। अब मेरी बारी है। अरे मैनी आ गया। मैनी, आज पत्थर बहुत ज्यादा है, ले जाओगे ना? जी हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मैनी। वाह मैनी, कमाल का है। अरे बाप रे, संभल के। रुको मैनी। शुक्रिया मैनी। कोई बात नहीं। मैनी ने शानदार काम किया। इससे ज्यादा ताकतवर मालगाड़ी मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, मैंने भी नहीं देखी। बहुत शानदार काम किया। हाँ, मैनी का कोई जवाब नहीं। बर्नी अपना काम खत्म करने के बाद चूचू शहर लौट रहा है। बर्नी! हेलो हेलो। सुनो बर्नी, क्या कोई परेशानी है? मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर तुम मेहनत करो तो एक दिन तुम मेरी तरह बन जाओगे। इसने सही कहा, मुस्कुराओ बर्नी। तुम्हें लगता है मैं भी डीजल और मैनी जैसा बन सकता हूँ? तुम उन दोनों के जितने ही अच्छे बनोगे बर्नी। शुक्रिया, लेकिन मुझे खुद पर यकीन नहीं। क्यों नहीं, बस तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो डीजल, तुम मेरी मदद करोगे? मदद? मुझे भी ताकतवर बनना है, बिल्कुल तुम्हारे और मैनी की तरह, पर समझ नहीं आता कि कैसे बनूं। तुम ताकतवर रेल बनना चाहते हो मेरी तरह? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया डीजल। डीजल बर्नी की मदद करेगा? डीजल ने बर्नी को ताकतवर मालगाड़ी बनने में मदद करने का फैसला किया। मजबूत मालगाड़ी की गरजदार आवाज होती है। गरजदार आवाज होती है? हाँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। याहो! याहो! अब तुम कोशिश करो। याहू! अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा ताकि आवाज गूंजे। ठीक है। याहू! याहू! बड़ा मुश्किल है। शाबाश, ये पहले से तेज थी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सबक की ओर। क्या बस इतना ही? इस बार तुम बोगियों के साथ तेज दौड़ने की कोशिश करोगे। लेकिन बोगियों के साथ तेज दौड़ना खतरनाक होता है। तुम अच्छी मालगाड़ी बनना चाहते हो तो तुम्हें तेज दौड़ना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अरे बोगियां हिल रही हैं। दमदार मालगाड़ियां इसकी परवाह नहीं करती। तेज दौड़ो बर्नी। अच्छा ठीक है। उनकी प्रैक्टिस पूरी हुई। बर्नी और डीजल वापस शहर लौट रहे हैं। खुश हो तुम? अब तुम भी मेरी तरह दमदार गाड़ी हो। कह नहीं सकता, अभी कुछ नहीं हो पाया। वाह फूल, सुंदर। मुझे फूल बहुत पसंद है। मुझे ये समझ नहीं आता कि फूलों में ऐसा क्या खास है। वो सुंदर होते हैं। ये देखो खरगोश। हेलो खरगोश, मेरा नाम बर्नी है।
बर्नी, मजबूत मालगाड़ियाँ खरगोशों के साथ नहीं खेलती, तो चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे छोटे प्यारे खरगोश। जल्दी चलो। हाँ आ रहा हूँ। अगली सुबह बर्नी काम पर गया। अगली। गुड मॉर्निंग। ओह बर्नी, आज बड़े जोश में नजर आ रहे हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डीजल ने ठीक ही कहा था। दमदार ट्रेन तेज चलती है। यूहू। ये क्या, बर्नी तो गिर गया। ये बुरा हुआ। टिटीपो टिटीपो। मिस्टर हब। तुम ठीक हो ना बर्नी? माफी चाहता हूँ मिस्टर हब। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी इसको। तुम्हारे गिरने की खबर सुनकर मुझे चिंता हो रही थी। जाओ अब थोड़ा आराम कर लो। जी सर। क्या सच में? सच में? बर्नी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, वो बहुत तेज जा रहा था, गिर गया। लेकिन बर्नी तो ऐसे कभी तेज नहीं जाता। मेरे ख्याल से वो मेरी वजह से गिरा होगा। ओ? दमदार मालगाड़ी बनने के लिए मैंने ही उसे तेज दौड़ने के लिए कहा था। तुमने कहा था? यहाँ इधर मैनी बंदरगाह पर काम कर रहा है। सामान रख रहा हूँ, आराम से रख रहा हूँ। ये हो गया। शुक्रिया, फिर मिलूंगा तुमसे। अरे मैनी, उसमें नाजुक सामान है, ध्यान रखना। चिंता मत करो। तेज चलता हूँ। एक ही तो डब्बा है, तो थोड़ा तेज चल लेता हूँ। बंदर, जानवर खतरनाक होते हैं। मैनी को एक डरावनी पुरानी बात याद आ गई। ताजी हवा। वो क्या है? ये तो भेड़े हैं। अरे भेड़ो हट जाओ। हट जाओ मुझ पर से। मैं और आगे नहीं जा सकता। मिस्टर हर्ट। मैनी, क्या बात है? मेरे डब्बे में बंदर है, लगता नहीं है कि आगे जा पाऊंगा। तुम वहीं इंतजार करो। हाँ। मैं किसी को भेजता हूँ। ठीक है। बर्नी, मैंने सुना तुम गिर गए, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता नहीं कि मैं मजबूत मालगाड़ी बन पाऊंगा। बर्नी। जी कहिए मिस्टर हब। क्या तुम अभी बंदरगाह जा सकते हो? जानवर? मैनी जानवरों से बहुत डरता है। सच में? हेलो प्यारे खरगोश। चलो बर्नी, साथ चलकर मदद करो, तुम्हें जानवरों से लगाव है ना? हाँ? मदद? तो बर्नी और डीजल मैनी की मदद करने गए। मैनी। बर्नी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्लीज। चिंता मत करो, सबसे पहले डब्बा अलग करो। ये डब्बा अलग क्यों नहीं हो रहा? अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैनी, बंदर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आराम से फिर कोशिश करो। ठीक है। वाह, अलग हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया मैनी। शुक्रिया। अब पीछे चलो।
बहुत बहुत शुक्रिया बर्नी। कोई बात नहीं। हाँ? लगता है ये बंदर अभी भी परेशान हो रहे हैं। ठीक कह रहे हो। एक गाना हो जाए। टीटी पो टीटी पो टीटी 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 पो, मस्ती करो और चलते चलो छोटी ट्रेन टीटी पो। टीटी पो टीटी पो टीटी 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 पो। सारे बंदर शांत हो गए। वाह क्या बात है। ये है मेरे भाई का कमाल। धूप खिले या बर्फ पड़े या हो बरसात का मौसम, हरदम चलते चलो बिना रुके बढ़ते चलो। टीटी पो। काम खत्म करने के बाद मैनी, बर्नी और डीजल वापस चूचू शहर आ गए। तुम दोनों वापस आ गए। बर्नी मैंने सुना तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा, सबसे बढ़कर। शुक्रिया मैनी। डीजल तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, बर्नी तुम्हारी वजह से गिर गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो बात ये है, मैंने कहा कि अगर तुम अच्छी मालगाड़ी बनना चाहते हो तो तेज भागो। बर्नी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, बल्कि शुक्रिया, मुझे पता चल गया मैं किस काम में अच्छा हूँ। बिल्कुल ठीक, अगर जानवरों को लेके आना है तो बर्नी सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा। बर्नी एक शानदार मालगाड़ी। शुक्रिया दोस्तों। आखिरकार बर्नी को अपनी खूबी पता चल गई। मुबारक हो बर्नी। ट्रेन वॉश खराब हुआ। आज बर्नी की छुट्टी है। कमाल का दिन है। चलो नहा लूं। मजा आ गया। शुक्र है चल गया, मैं तो डर ही गया था। चलो यहाँ से चलता हूँ। अरे अब ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अरे नहीं, लगता है ट्रेन वॉश में कोई खराबी आ गई है। कोई सुनो, बाहर कोई सुन रहा है तो दरवाजा खोलो, प्लीज मदद करो, खोलो। क्या कोई है बाहर? आखिर खुल ही गया। ये तो बहुत ही डरावना था। कैसे हैं मिस्टर हर्ब? ओ बर्नी, तुम जल्दी जाग गए, आज तो तुम्हारी छुट्टी है। हाँ मैं वो स्टेशन के फेस्टिवल में जा रहा हूँ। अच्छी बात है, जा खूब मजे करना। शुक्रिया। क्या मैं मिस्टर हर्ब को ट्रेन वॉश के बारे में बता दूँ? मिस्टर हर्ब, ट्रेन वॉश में कुछ खराबी हो गई है। ओ अच्छा, चलो अभी देख लेते हैं। अभी? जी सर। ऐसा हुआ तो मैं फेस्टिवल नहीं जा पाऊंगा। तुम कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ सर। अच्छा ठीक है। बर्नी, बर्नी। जी कहिए मिस्टर हर्ब। माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम शहर वापस आ सकते हो? लेकिन क्यों? डीजल को काम पर जाना था, लेकिन एक ट्रेन वॉश खराब हो गया है और वो अंदर फंस गया है। क्या? डीजल फंस गया है? हाँ, मुझे उसकी जगह किसी और को भेजना होगा। क्या तुम जा सकते हो बर्नी? जी जी हाँ जरूर, मैं अभी पहुँचता हूँ। क्योंकि डीजल फंस गया है इसलिए उसका काम बर्नी कर रहा है। डीजल नहाते हुए फंस गया क्योंकि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। हेलो बर्नी। टीटी पो। काम क्यों कर रही हो? आज तो तुम्हारी छुट्टी है। डीजल को कुछ काम आ गया है इसलिए मैं उसकी जगह पे जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन बर्नी तुम तो वे स्टेशन फेस्टिवल में जा रहे थे ना? हाँ। बहुत बुरा हुआ तुम नहीं जा सके। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। मेरी नज़र में तुम सबसे अच्छी रेलगाड़ी हो। अच्छा तो मैं भी काम पर निकलता हूँ, बाद में मिलते हैं। मिलते हैं। ये मैंने अच्छा काम नहीं किया, अगर सबको पता चल गया कि मैं चुप रहा था तो। ट्रेन वॉश में खराबी हो रही थी और तुमने बताया भी नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बर्नी। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हमारी चिंता ही नहीं। बिल्कुल।
काम के बाद बर्नी वापस चूचू शहर आ गया। उम्मीद है डीजल की तबीयत ठीक ही होगी। हाय बर्नी। डीजल, पता चला तुमने मेरी जगह ड्यूटी की। शुक्रिया दोस्त। प्लीज शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, मैं अब जाकर आराम कर लेता हूँ। ठीक है, गुड बाय। लगता है बर्नी का मूड ठीक नहीं है। अरे उसे तो आज फेस्टिवल में जाना था, मेरी वजह से वो जा नहीं पाया इसलिए परेशान होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। डीजल जल्दी जाग गया, हालांकि आज उसकी छुट्टी है। उम्मीद है मुझे देर नहीं हुई। मैं बर्नी के डिब्बे पहले से ही तैयार करके रख देता हूँ। ये लग गए। हाय सेटर। डीजल, बर्नी को जो डिब्बे लेकर जाने हैं वो कहाँ पर है? क्यों, क्या हुआ? मैं उसके लिए पहले से तैयार करके रखूंगा। वाव, वो वहाँ पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेटर। मिल गए, बर्नी आज बहुत ही खुश हो जाएगा। बर्नी डिपो की तरफ जा रहा है। गुड मॉर्निंग बर्नी। डीजल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टडा, मैंने तुम्हारे लिए डिब्बे निकाल कर रखे हैं। तुमने निकाले? बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। कोई बात नहीं बर्नी। अच्छा, बाद में मिलता हूँ अब। बाय, तुम्हारा दिन अच्छा हो। सब कुछ ठीक चल रहा है। हे, ये क्या? रुको बर्नी। बताओ क्या बात है सेटर? तुम बंदरगाह जा रहे हो तो फिर डिब्बे खदान वाले क्यों ले जा रहे हो? अच्छा, हाँ डिब्बे बदल लो। शायद मुझसे गड़बड़ हो गई। बर्नी ने माल बोगी बदल ली। माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं, हो जाता है। बर्नी। जी कहिए। तुम्हें अब तक रास्ते में होना चाहिए था, यहाँ क्यों रुके हुए हो? माफी चाहता हूँ, मैं बस अभी निकलता हूँ, जल्दी मिलेंगे दोस्तों। ये क्या हुआ, अब मैंने बर्नी को देर भी करवा दी। डीजल कितना काम कर रहा है मेरे लिए, अब तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। कितना बुरा हुआ। टिटीपो टिटीपो। डीजल। हाय जीनी। तुम्हारी तो आज छुट्टी है। किस्मत अच्छी है, अगर आज मेरी छुट्टी होती तो मैं वे स्टेशन फेस्टिवल में जाती। अरे क्या बात कर रही हो, वो स्टेशन फेस्टिवल कल खत्म हो गया। नहीं, एक दूसरी जगह पर चल रहा है। क्या सच? बताने के लिए शुक्रिया जीनी, मुझे अभी जाना है, बाय। हाँ, डीजल कितना खुश है। काम करने के बाद बर्नी वापस शहर आ रहा है। बस बहुत हुआ, अब मुझे डीजल को सब कुछ सच बता देना चाहिए। बर्नी को अब तक वापस आ जाना चाहिए। वो आ गया। डीजल। बर्नी। डीजल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। वे फेस्टिवल एक दूसरी जगह पर चल रहा है। फेस्टिवल? हाँ, कल तुम मेरी वजह से नहीं जा पाए थे तो आज हम दोनों चलते हैं। चलो ना, चलते हैं प्लीज। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। तो फिर चलो दौड़ लगाएं। हाँ। बर्नी, तुम थक गए होगे ना? मैं तुम्हें खींच कर ले जाता हूँ, तुम आराम कर लो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी तो थके हुए होंगे ना? नहीं, आज मैंने कोई भी काम नहीं किया। चलो वहाँ पहुँचने तक तुम एक झपकी ले लो। नहीं, जरूरत नहीं, आ जाओ। सुनो डीजल, कल जब तुम नहाते हुए ट्रेन वॉश में फंस गए थे तब तुम ठीक तो थे ना? नहाते हुए? ये क्या हो रहा है? बचाओ, मशीन बंद नहीं हुई, चलती ही रही। बचाओ, इतना झाग बनने की वजह से मैं बाहर नहीं आ सका, तो मैं टीओ के आने तक नहाता ही रहा। इतनी देर नहाया इसलिए मैं अब तक चमक रहा हूँ।
तो ये हुआ था। हम पहुंच गए, यही वो जगह है। अजीब बात है, इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? हाँ कह तो सही रहे हो। स्टेशन मास्टर से पूछते हैं। माफ कीजिएगा, वो फेस्टिवल कब शुरू होने वाला है? फेस्टिवल? यहाँ कोई फेस्टिवल नहीं है। क्या? तो क्या आपको पता है कि वो स्टेशन फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है? सॉरी, मुझे इसका नहीं पता। बर्नी, मुझे माफ करना, मैंने फिर से गलती कर दी। कोई बात नहीं डीजल, फेस्टिवल इतना भी जरूरी नहीं है। कह भी दो, सच सच बोलो ना, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। नाराज? कैसी बात कर रहे हो दोस्त, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन तुम कल से मुझसे ज्यादा बात ही नहीं कर रहे हो। ओह, वो इसलिए क्योंकि डीजल, मैं ना कल जब तुम नहाते हुए ट्रेन वॉश में फंस गए थे ना, वो सब मेरी वजह से हुआ था। क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे पता था ट्रेन वॉश खराब हो रहा है, लेकिन मैं घूमना चाहता था, इसलिए मैंने मिस्टर हर्ब को कुछ नहीं बताया। माफी चाहता हूँ डीजल। सच में? इसलिए तुम परेशान थे? मैं तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं फंसा था। क्या? वो कल देर से जागा था, तो इसलिए जल्दबाजी में था मैं। देर हो गई। जल्दी करो। मुझे वो वाला खुला है। ये खराब है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ लाइट्स खराब होंगी। लाइट्स बता रही थी कि वो खराब है, लेकिन मैं फिर भी अंदर गया, इसलिए फंस गया। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने तुम्हें खराबी के बारे में बता दिया होता तो तुम अंदर बिल्कुल नहीं जाते डीजल। कोई बात नहीं है, और उसके बदले तुमने मेरी जगह पर ड्यूटी भी तो की। लेकिन फिर भी। छोड़ो भी, समझो हम एक जैसे ही तो हैं। हाँ शायद। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर हम फेस्टिवल नहीं देख पाए। कम से कम हमने कोशिश तो की ना। ओह, वो देखो ऊपर आतिशबाजी। शायद उसी जगह फेस्टिवल हो रहा होगा। चलना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तो चलो फिर। अपने बीच की गलत फहमियां मिटाने के बाद बर्नी और डीजल मजे करने के लिए फेस्टिवल जा रहे हैं। ओ प्लीज जीनी। अपना काम पूरा करने के बाद जीनी चूचू शहर में लौट आई है। हेलो बर्नी। हेलो। सुनो जीनी, तुम जानती हो मैंने एक नई शानदार जगह देखी है। अच्छा, क्या सच में? मैं आज झील के पास से गुजर रहा था और वहाँ दोनों तरफ फूलों वाले पेड़ों की कतारें थी। सभी के सभी फूल खिले हुए थे, इसलिए लग रहा था जैसे वो फूलों की सुरंग हो। वाह शानदार, मुझे भी वो जगह देखनी है। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए इससे पहले कि रात हो जाए। मैं जरूर जाऊंगी, बताने के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। आज जीनी की छुट्टी है और वो फूलों को देखने जा रही है। बस मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। जीनी। हेलो जीनी। हाय। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम सब कहाँ जा रहे हो? चूचू शहर जा रहे हैं हम। चूचू शहर? हाँ, मैंने सबको बताया कि तुम्हारा शहर कितना अच्छा है, इसलिए सब उसे देखना चाहते हैं। सुनो जीनी, क्या तुम्हें कुछ काम है? नहीं, आज मेरी छुट्टी है। वाह सच में? तो क्या तुम हम सबको चूचू शहर घुमा सकती हो? वाह प्लीज, हमें भी वहाँ घुमा लाओ ना। अभी? हाँ अभी। ओ प्लीज जीनी। लेकिन मुझे। तुम क्या कर रही हो? उन्हें मना कर दो, तुम्हें फूल देखने जाना है। ऐसा मत करो, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी मदद चाहिए, मना मत करो, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हाँ तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें चूचू टाउन अच्छे से दिखाऊंगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जीनी। जीनी ने छोटी बसों को सैर करवाई और उन्हें पूरा शहर दिखाया। ये कितनी अच्छी जगह है, ये जरूर डीजल का घर होगा। ये तो बहुत बढ़िया है। वाह, ये तो कमाल है। तुम्हारे साथ घूमकर बहुत मजा आया जीनी। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ध्यान से घर जाना। ठीक है, तुमसे जल्दी मिलते हैं। बाय। अब मैं फूल देखने जा सकती हूँ।
शुक्र है कि अभी भी रोशनी है। जेनी, कैसे हो तुम? तुम सब एक साथ? बिल्कुल, हमें भी रास्ते में टायो मिला था। उसने कहा कि तुमने उसे शहर की सैर कराई, इसलिए हमने सोचा कि तुम हमें भी शहर घुमा के लाओगी। वैसे हम भी छोटी बसों के साथ आना चाहते थे, लेकिन काम की वजह से देर हो गई। वो प्लीज जेनी। जरूर, पूरा शहर दिखाऊंगी। वाह, शुक्रिया जेनी। जब तक जीनी ने उन सबको सैर करवाई, सूरज डूबने लगा था। जूजू टाउन कमाल का है। सही कहा। शुक्रिया जीनी। बाय 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 दोस्तों। अंधेरा होने लगा है, लगता है मैं फूल नहीं देख पाऊंगी। अरे नहीं, जीनी। हेलो। हाँ, हेलो। आज टीवी पर गार्डियन एक्स आएगा। हाँ, याद आया, आज आएगा। हाँ, मजा आएगा। आज गार्डियन एक्स की उस बदमाश के साथ आखिरी लड़ाई होगी। मजा आएगा, जल्दी चलो टिटिपो। हाँ, साथ में देखेंगे। हम हैं ना हारने वाले गार्डियन एक्स। ओ जी, कहिए। अचानक कुछ काम आ गया है, इसीलिए तुम्हें अभी जाना पड़ेगा। क्या, बिल्कुल अभी? हाँ, मुझे तुम्हारी तुरंत जरूरत है। मैं अभी आया। क्या तुम्हें फिर से काम पर जाना है? हाँ, मेरा बहुत मन था देखने का, लेकिन मैं क्या करूँ। उसे कितने दिनों से इस शो का इंतजार था। उसकी जगह लेने का सोचना भी मत। पहले ही तुम शहर दिखाने के चक्कर में फूल नहीं देख पाई। हाँ, लेकिन टिटिपो अपना मनपसंद हीरो गार्डियन एक्स को नहीं देख पाएगा। लेकिन गार्डियन एक्स तो तुम्हें भी बहुत पसंद है। लेकिन टिटिपो कितना उदास लग रहा है। तुम जाओगी, वो खुश हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत कर। रुक जाओ टिटिपो, रुक जाओ। क्या? तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी, तुम गार्डियन एक्स देखो। क्या, सच में? हाँ, मैं बाद में देख लूंगी। तुम कब से इंतजार कर रहे थे? ओ, शुक्रिया जीनी। कोई बात नहीं, तुम शो का मजा लो, बाद में मिलती हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं जीनी। फिर से शुक्रिया। आखिरी स्टेशन आ गया, सभी को बाय बाय। बाय। आज मेरा दिन नहीं था, ना फूल देखे और ना ही शो। अगली सुबह शुरू हो चुकी है और जीनी अपने काम पर जा रही है। कैसी हो जीनी? ओ, हेलो बर्नी। तुम वो सुंदर फूल देखकर आई? अभी नहीं, समय नहीं मिल पाया। अरे नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। अनुमान है कि आज रात बरसात होगी और अगर बरसात हुई तो सारे फूल गिर जाएंगे। सच में गिर जाएंगे? मुझे जल्दी जाना चाहिए। शुक्रिया बर्नी। अरे कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अब इस तरफ जा रहा हूँ। फूल देखने जरूर जाना जीनी। आज मैं जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पाल माल बची, भारी सामान के साथ इतनी तेज नहीं जाना चाहिए। सबको बाय बाय। तो अब मैं चलती हूँ। एक्सीडेंट? उम्मीद है इससे ज्यादा चोट नहीं आई होगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं निकल भी नहीं पाऊंगी। टिटिपो, टिटिपो। बताओ आज कहाँ घूमने चले हम? चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं सब। इसमें तो बड़ा मजा आएगा। सुनो दोस्तों, जरा वहाँ पर देखो। ब्रेकिंग न्यूज, एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर पलट गई है, लेकिन अब उस मालगाड़ी को खींचकर ठीक होने के लिए ले जाया गया है। लेकिन पटरी पर चट्टाने बिखर गई हैं, जिससे रेलगाड़ियों का आना जाना रुक गया है। अरे वो देखो जीनी, दुर्घटना की वजह से वो भी फंस गई है। आओ दोस्तों चले, देखते हैं शायद हम में से कोई उसकी मदद कर पाए। ठीक है। मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ? जीनी, मुझे मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? पटरियों पर चट्टाने हैं, मैं नहीं चल सकती, माफी चाहती हूँ। जीनी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? लेकिन तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें न्यूज में देखा, इसलिए फटाफट यहाँ चले आए तुम्हारी मदद करने के लिए। ओ, शुक्रिया।
मदद कैसे करोगे? हाँ, मुझे पता है, मेरे यात्रियों को क्या तुम अगले स्टेशन तक पहुँचा दोगे? अगले स्टेशन तक? हाँ, अगर तुम उन्हें वहाँ उतार दोगे तो दूसरी रेलगाड़ी उन्हें वहाँ से आगे ले जाएगी। हाँ, हम पहुँचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान दीजिए, आप बाहर खड़ी किसी भी बस में बैठ जाइए, आप अगले स्टेशन पहुंच जाएंगे, वहां से रेलगाड़ी आगे ले जाएगी। वाह, अब मैं वक्त से पहुंच जाऊंगा। शुक्रिया जी। ध्यान से चढ़िएगा। चलिए आइए, चढ़ जाइए। शुक्रिया। जीनी, तुम ठीक हो ना? ओ, मिस्टर हब, छोटी बसें मेरे यात्रियों को अगले स्टेशन पहुंचाकर मेरी मदद कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, और वहाँ टिटिपो उनका इंतजार कर रहा होगा। सच में टिटिपो? हाँ बिल्कुल, वो निकल पड़ा है। उसने कहा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। चलो चलें। बढ़िया। हाँ, शुक्र है सब ठीक हो गया। हाँ। जरा सुनो लिफ्ट, माफ करना लेकिन मैं कब जा सकती हूँ? मुझे नहीं पता, मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो मुझे इसमें पूरी रात भी लग सकती है। पूरी रात? हाँ, मेरे पीछे भी रेलगाड़ियाँ फंसी हैं। कितना वक्त और लगेगा अभी? कहाँ फंस गए? लगता है अब मैं पुल नहीं देख पाऊंगी। जीनी, हम आ गए। हाय मैक्स। हे जीनी, हमने तुम्हें न्यूज पर देखा। जल्दी से अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास चले आए। बताओ हम तुम्हारी क्या मदद करें? कितने अच्छे हो तुम, लेकिन मेरी जगह अब टिटिपो काम कर रहा है। तो तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो जीनी? दरअसल आज मैं खिले हुए फूल देखना चाहती थी लेकिन नहीं देख पाऊंगी। अगर नहीं गई तो इस बार नहीं देख पाऊंगी। चिंता नहीं, जब है हम तो क्या है गम। सब मिलकर करेंगे तो होगा सारा काम जल्दी खत्म। बस अब तुम देखो हमारा कमाल। ठीक है, शुरू करते हैं। बढ़िया। क्यों, क्या कहती हो जीनी? वाह, कमाल कर दिया सबने। तुम सबकी मदद से हमने पटरियां जल्दी साफ कर ली। शुक्रिया जीनी। काम पूरा हो गया। इतनी जल्दी सब ठीक रहा ना? बिल्कुल, सभी छोटी बसों ने लोगों को जल्दी स्टेशन पहुंचा दिया तो मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। सुनकर अच्छा लगा, सबने मिलकर मेरी मदद की। हमेशा करेंगे, पिछली बार तुमने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल सकता। हम भी कभी नहीं भूलेंगे जीनी, जब भी तुम परेशान होगी हम तुम्हारे साथ हमेशा होंगे। देखो अंधेरा होने वाला है जीनी। जीनी जल्दी से फूलों को दिखाओ। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। क्या हुआ? मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। वाह, कितने सुंदर फूल खिले हैं। ये जगह तो पता भी नहीं थी। क्या नजारा है। सबके साथ देखने में ज्यादा मजा आता है ना? ठीक कहा। खुश होना उनकी मदद करके और उसके बाद तुम फूल भी देख पाई। मैं मानती हूँ दोस्तों के साथ ज्यादा मजा आता है। अब आगे से मेरी दोस्तों को जब भी जरूरत होगी मैं उनकी मदद करूंगी। कितना सुंदर है। जीनी का दिल भी उतना ही अच्छा है जितने ये खिले हुए फूल।